हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्क्रू गेज के बारे में बताने वाला हूं। मैकेनिक्स के सभी एक्सपेरिमेंट्स में किसी न किसी मेजरमेंट में ये आपके जरूर काम आएगा। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इस पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। 25 इंटू 1 डिवाइड बाय 200 mm। 25 mm का मतलब ये है कि ये स्क्रू गेज 25 mm तक, मतलब 2.5 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकता है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो आप इस सिस्टम से कर सकते हैं। तो अब हम इसका लीस्ट काउंट निकालना सीखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। अब अगर मैं इसे घुमाता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर ये वापस में जीरो, तो देखिए ये थोड़ा सा राइट की तरफ में शिफ्ट हो गया है। चलो इसे एक और चक्कर घुमाता हूं 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर से ये वापस जीरो पहुंच गया। अब इसने दो चक्कर में 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक चक्कर में आप 100 पॉइंट रीडिंग आगे बढ़ते हैं, दो चक्कर में आप 200 पॉइंट रीडिंग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिलीमीटर को आप 200 पॉइंट में बांट सकते हैं। तो आपका लीस्ट काउंट 1/200 मिलीमीटर है। इसको एक बार फिर से समझेंगे। आपका ये जो स्केल है इसमें हर मिलीमीटर के बीच में एक आधा मिलीमीटर का निशान लगा हुआ है। तो जब भी आप इसको एक चक्कर घुमाते हैं तो आधा मिलीमीटर आपका ये सर्कुलर स्केल राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाता है। आधा मिलीमीटर मतलब 1/2 मिलीमीटर और उसका 100वां हिस्सा 1/100, तो ये आपका बनाता है 1/200 mm का लीस्ट काउंट। इस तरीके से आपको इसका लीस्ट काउंट पता चल गया। अब हम कोई भी रैंडम प्लेस पर इसकी रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी चीज की थिकनेस मेजर की और वो यहां पर आकर रुक गया, तो अब उसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि दो ऊपर की तरफ निशान है, मतलब 2 mm कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एक छोटा निशान है, मतलब 2.5 mm कंप्लीट हो चुका है। तो मेन स्केल की आपकी रीडिंग है 2.5 mm, तो आपकी जो भी रीडिंग है वो 2.5 mm से ज्यादा है, कम नहीं है। उसके बाद यहां पर आपका 20 आया हुआ है, तो 2.5 mm प्लस लीस्ट काउंट इंटू 20 आपकी रीडिंग होगी। 2.5 mm जो क्रॉस हो चुका है प्लस 20 काउंटिंग हम आगे निकल चुके हैं और हर काउंटिंग 1/200 mm को मेजर करती है, तो 20 काउंटिंग कितने मेजर करेगी, 20 × 1/200 mm को। तो इस तरीके से आप किसी भी स्क्रू गेज की रीडिंग ले सकते हैं। सभी स्क्रू गेज आइडियल नहीं होते। स्क्रू गेज को पूरा बंद करने पर यदि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड करे तो इसका मतलब आपका स्क्रू गेज बिल्कुल सही है। अगर वो उस जीरो से आगे निकल जाए तो उनके डिफरेंस की रीडिंग को मेन रीडिंग में ऐड करना होगा। तीसरे केस में
अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कुछ कम रह जाए तो हमें उस डिफरेंस की रीडिंग को टोटल रीडिंग में से माइनस करना होगा। इस तरीके से एरर को एलिमिनेट करके ट्रू रीडिंग ली जा सकती है।